सावन में प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत उससे भी खास माना जा रहा है। इस दिन शिव पूजा से समस्त कार्य सिद्ध होंगे। सावन महीने का आखिरी सोम प्रदोष व्रत किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। इस वर्ष सावन में चार प्रदोष व्रत का संयोग बना है। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। प्रदोष व्रत की बहुत महिमा होती है। कहते हैं शिव जी अपने प्रिय प्रदोष व्रत व्यक्ति को हर संकटों से मुक्त करते हैं। इस व्रत को सोम व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं सावन का आखिरी प्रदोष व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा। यह व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार है, इसीलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में स्वयं शिव जी का वास हो जाता है। इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त सोम प्रदोष व्रत के दिन। सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त को शाम 6:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 अगस्त को दोपहर 2:47 पर इसका समापन होगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो है शाम को 6:48 से रात के 9:02 तक का। अब जान लीजिए कैसे करनी है आपको सोम प्रदोष व्रत की पूजा, ताकि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाए और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। सावन में सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके फलाहार व्रत का संकल्प लें। पूरी विधि विधान के साथ जिस तरह से आप प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं, इस दिन सोम प्रदोष व्रत के दिन भी पूजा करें। प्रदोष व्रत के दिन आप दोपहर के समय बिल्कुल भी सोए नहीं। सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान के लिए शिव जी की विधि विधान से पूजा करें, उनका अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, फूल और पंचामृत भी चढ़ाएं। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाएं। उसके बाद आठों दिशाओं में 8 दीपक रखें। अब प्रदोष व्रत की कथा सुने और फिर अंत में आरती करने के बाद अपने स्थान पर बैठ कर ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को मन ही मन जपते रहें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, दी गई जानकारियाँ आपके काम भी आएंगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। ओम नमः शिवाय।